जैसे कि ये आपने देख ही लिया आज का एंड किया है कविता ने, इसका जो है मतलब इससे बोला नहीं जा रहा था तो तब करके तो चलो करते हैं इस वीडियो पे। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपको पता था मैं शाम को जो वो इसके बड़े ताऊ जी के घर रुका हुआ था, तो अभी जो है हम जा रहे हैं छोटे वाले ताऊ जी के घर। और जो है क्या बोलते हैं, मतलब शाम को उन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती कर ली कि इधर रहना पड़ेगा। वैसे तो हम शाम को ही जाने वाले थे सबके घर, तो अभी जा रहे हैं इसके छोटे वाले ताऊ जी के घर। तो फिर आज जो है हमने इसके नानी जी के घर भी निकलना है। और जो है पीछे पहाड़ों पे पड़ गई है रात को बर्फ, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गया है हाथी धार। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है पीछे। और जो है अभी इसको कॉल आई हुई है, तो बस निकल ही रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ये इसके ताऊ जी का जो है नए वाला घर है, तो अभी हम जा रहे हैं उनके पुराने घर, तो चलो मिलते हैं उधर जाके। तो अभी आ गए हम ताऊ जी के घर से। तो यार ताऊ जी ने दे दिए इसमें अखरोट और राजमा वगैरह डाले हुए हैं, तो मतलब बहुत भारी है उठाने के लिए भी। तो अभी जा रहे हैं हम अपने मतलब कविता के माया मम्मी के घर जहाँ अपने ससुराल। तो शाम को निकले हो ताऊ जी के घर, तो इसको भी दे दिए हैं सूट वगैरह बता, तो तब करके चलो मिलते हैं उधर जाके। तो मेरे को की है ये टोपी गिफ्ट छोटे ताऊ जी ने, और बड़े ताऊ जी ने भी दी है, और इसको की दिए हैं सूट वगैरह दोनों ताई ने दी मेरे को टोपी आई दी। और इसमें तो आपको पता है राजमा और अखरोट और जो बात है। और जो है अब आपकी भाभी का भी ब्लॉग आएंगे इसी चैनल पे आएंगे, तो देखते हैं कब से इसको मैं ब्लॉगिंग सिखाऊंगा, बट सिखाने वाला हूँ मैं एक दो दिन में, देखते हैं इसके ब्लॉग आएंगे। तो अभी हम नानी जी के घर भी जाने वाले हैं, तो चलो मिलते हैं अब वहीं जाके। वहीं तो क्या, अभी तो मतलब इसके घर में मिलते हैं। ये है इसका घर, दूर से बता देते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है सामने, तो ये है। तो चलो मिलते हैं उधर जाके। यार तो अभी आ गया हूँ मैं यहाँ अपने ससुराल ताऊ जी के घर से घूम फिर के। तो ये है कविता मैडम, आप देख सकते हैं ये कर रही थी चटनी बनाने का काम। ये देखिए धूप लगी है इसको ज़्यादा, और इधर बन रही है इसकी चटनी। तो मैं बता रहा हूँ इसको जूम करके, तो इसमें डाल दिया इसने ये प्याज वगैरह डाला है, क्या क्या डाल दिया। और देखो छाता लेके बैठी है इधर, इतनी तेज़ धूप लग रही है इसको। और ये है इनके जितने भी है डंगरे पाले हुए हैं ये वाले, और नीचे को तो आप देख सकते हैं इधर ये है छिल्लू वगैरह बकरा, ये बड़े वाला बकरा है। और छिल्लू जो हम जो उस दिन आए हुए थे शाम को, हम इधर से आए हुए थे, ये देख सकते हैं हम जूम करके, बिल्कुल मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये वाला सामने इधर, यहाँ से हम पैदल आए हुए हैं। इधर है ससुर जी की शॉप ये यहाँ, तो मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है थोड़ा सा, जूमिंग में आ रहा है वाइब्रेट वैसे तो नहीं आ रहा है। और यहाँ चीलों का जंगल। और जो आप पूछ रहे थे कि आपका ससुराल किधर है, तो मेरा ससुराल बथेरी आरंग बोलते हैं वहाँ पे है। अब मैंने बता दिया, तो कल तो मैंने नहीं बताया, तो आज बता रहा हूँ। तो अभी जो हमने नहा धो के तैयार वगैरह भी होना है, बस अभी तुरंत खाना बन रहा है, इधर खाना वगैरह खाना है और उसके बाद निकलना है नानी जी के घर। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में। तो मैं हो गया हूँ एकदम तैयार, तो आप देख ही सकते हैं। तो अभी कविता जो है वो भी नहा रही है, तो हम जाने के लिए हो गए हैं अभी यहाँ से रेडी। और जो है बैटरी नहीं है, तो बैटरी बहुत कम है आज, लाइट ही नहीं है एक्चुअली, बात ऐसी है। तो मेरे को लगता है इसके बाद शायद आगे के ब्लॉग नहीं भी आ सकता, जो आगे वाला हम जाएँगे वो ब्लॉग नहीं भी आ सकता इसमें, अगर लाइट आ गई बीच में। तो अगर होगी बैटरी तो हम मैं आपको ब्लॉग बता दूंगा जो भी आगे गए हैं, नहीं तो कल के ब्लॉग में ही मुलाकात होगी फिर। तो चलो देखते हैं बाद में क्या होता है। सुबह भी जो है हम तैयार वगैरह होके जा रहे हैं नानी के घर। तो हम पहुंच गए हैं सड़क पर, तो अभी जो है कविता जो है मतलब मिठाई लाने चली गई हुई है, मिठाई ले यहाँ शॉप है साथ में, तो उधर मिठाई लाने गई हुई है, तो वो मिठाई वगैरह लेके आ जाएगी। तो मेरे पास जो है बैटरी भी कम है, मेरे को लगता है अब जो है वहाँ का ब्लॉग नहीं बन पाएगा, जो यहाँ से आगे जाना है वो वाला ब्लॉग नहीं बन पाएगा।
तो देखते हैं घर जाके जब नानी के घर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फोन मतलब बैटरी चार्ज करके फिर देखते हैं क्या होता है, अगर लाइट आ गई होनी, अगर नहीं आई हो तो दिक्कत हो जानी, फिर आप समझ लेना कि ब्लॉग नहीं आया आगे वाला। तो कोई नहीं, तो चलो मिलते हैं बाद में। तो फाइनली तो हम पहुंच गए नानी के घर। तो कविता कर रही है मना कि मैं नहीं बनाऊंगी ब्लॉग, तो ये ज़्यादा ही वो कर रही है, तो इसको बन क्या हो गया ज़्यादा पाव हो गया क्योंकि नानी तो तब करके तो आप भी देख सकते हैं आप तंदूर के पास बैठे हुए हैं और इधर कुकर के अंदर रखे हुए हैं राजमा, मतलब दाल बन रही है रात को। तो बस हम जस्ट अभी पहुंचे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आधा अगर घंटा हो गया। दो लाइट वगैरह भी आ गई थी इधर, तो हमें लगा ली थी चार्जर वगैरह में, तो फ़ोन वगैरह भी लगा दिए है चार्जर में, तो फ़ोन की बैटरी हो गई 70%। तो अभी सोचा कि थोड़ा सा बता लेते हैं आपको कि हम पहुँच गए हैं, तो चलो मिलते हैं बाद में। तो ये है मामू जी के घर की साइड का व्यू, तो आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम। तो ये जो धार है, इस धार की परे वाली साइड है हमारे घर, और ये जो है मामू जी की कार लगी हुई है, ये बड़े मामू की बुलेट है, ये हमारी स्कूटी है। तो ये इधर पर किसका घर है जिसका भी होगा ऊपर वाली साइड, हमें क्या लेना देना है। तो कल बताएँगे हम मामू जी के घर का, मतलब पूरा होम टूर बताएंगे जो नानी जी के घर का है। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो ये है मामू जी की बेटी छोटी वाली, तो आप देख सकते हैं, और ये है नानी जी छोटी सी काकी। तो चलो मिलते हैं बाद में। गाइस आज का एंड मैं कर रही हूँ, जो हमारे चैनल पर अभी नया आया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम नए ब्लॉग डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। जैसे कि आपने देख ही लिया आज का एंड किया है कभी तो इसका जो है मतलब इससे बोला नहीं जा रहा था तो तब करके, तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। तो जो हमारे चैनल पर नए नए आए हो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम न्यू ब्लॉग डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।